हाँ तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार कैसे हो यार आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होगे। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ओपन होने लगी है, क्योंकि यार आपका भैया आपको फुली गाइड करेगा यार कैसे आपने जिगल को कंट्रोल करना है, कैसे जिगल की मूवमेंट ओपी करनी है यार आपने। तो यार अगर आपकी ये जिगल का आपने सीखना है कैसे आप बिल्कुल ही कॉम्पिटेटिव प्लेयर जैसी आपकी मूवमेंट होगी, या फिर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जोनाथन वगैरह, तो इन जैसे के मोड आपने करने, तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग मोड में या फिर टीडीएम में, आप लोग टीडीएम में भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग मोड में जाना है। तो यार आपने ट्रेनिंग मोड में जाना है, और सबसे पहले जो आपने जो काम करना ना, वो आपने पहले अपने स्कैन की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है? तो यार आपने कंट्रोल्स में जाना है और अपने परफेक्ट साइज़ के मुताबिक जो स्टिक को सेट करना। तो यार मैं आपको इसकी विड्थ बताऊँगा, जो वैसे तो थंब के हिसाब से है, तो मैंने तो अपनी 105 रखी हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 90 टू 110 या फिर इससे एक दो और ऊपर नीचे, आप 90 टू 100 या फिर 90 टू 110 तक आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो यार आपने इसको इतने, या ये जो आपको साइज़ बताया ना, ना ही ये बहुत बड़ा है ना ही वो छोटा है, तो ये तो हो गया परफेक्ट साइज़। उसके बाद कुछ लोग का ये मसला आ रहा होता है कि जॉयस्टिक है उनका, वो जॉयस्टिक क्लिक करते हैं तो उनकी क्लिक नहीं होती, जैसे ये देखें ये मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऐसे, वैसे मेरा तो बिल्कुल सेट है, मैं इसको स्क्रीन पर जहाँ भी क्लिक करता हूँ क्लिक हो जाती है। तो यार ये आपने कंट्रोल्स में जो सबसे लेफ्ट वाला है ना, इसके लेआउट पर आपने ये सेलेक्ट कर लेना है जो सबसे लेफ्ट वाला है, इससे आप जो लेफ्ट साइड पर कहाँ भी जहाँ भी क्लिक करेंगे तो आपका मूव होगा, ठीक है? तो ये तो आपका ठीक हो गया। तो यार इसके बाद आपने ना प्रैक्टिस करनी है, आपने एक पॉइंट पकड़ लेना है, और सबसे पहले यार इसमें आपको एक खूब बताऊँ का हिप फायर भी गुड होना चाहिए। जिसका हिप फायर गुड होना है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, उसके तो बिल्कुल, अगर उसका परफेक्ट साइज़ है जॉयस्टिक का तो वो तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपने दोस्त को बुलाना है और उसके साथ टीडीएम खेलना है, ठीक है? और अगर आपका साइज़ परफेक्ट है, आपका हिप फायर सही है, मतलब हिप फायर जो गैर स्कोप के बंदा नहीं मारते जैसे ये मारूँ, तो अगर आपका ये सही है तो इंशाल्लाह यार आपका सही हो जाएगा। आपने ये करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने दोस्त के साथ एक टीडीएम खेलना है, ठीक है? मतलब कि आपको कुछ दिन लगेंगे, एक ही बार ही नहीं होगा, लेकिन उसको आपने कहना है यार ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करे, उसको भी आपने कहना है कि यार आपने मूवमेंट करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये करनी है, जिगल करना है आपने, आपने बहुत ज़्यादा जिगल करना है। और उसके एक पॉइंट पे आप, मैं तो आपको कहूँगा आप उसे हेडशॉट मारें, उससे क्या होगा आपका एक पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा और एक ही मतलब के जो उसका हेड पर आपका एम होगा, उससे क्या होगा कि आपका ये जो जिगल की ड्रिल्स हैं ये आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आप उसके एक पॉइंट पे मारे होंगे, और जिगल के मूवमेंट में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जिगल तो बड़ा अच्छा मार लेते हैं, ये देखो जिगल है जिगल है, लेकिन यार वो जब मैच में खेलते हैं तो उनका बिल्कुल फारिग होता है, ठीक है? तो आपने प्रैक्टिस करनी है और एक आपने पॉइंट पकड़ लेना है, आप ट्रेनिंग मोड में जो आपको हिस्सा कर सकते हैं, ठीक है? एक आप पॉइंट पकड़ लें, बेशक आप वो अब इस तरह ट्रेनिंग मोड में जाके करें, ट्रेनिंग मोड में कोई आप ये जो जिस तरह ट्रेनिंग के आप जिस तरह ट्रेनिंग करते हैं उस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप टीडीएम से खेल सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है अपने सबसे पहले इसका साइज़ सेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिगल की, ठीक है? और आपको मैंने एक और बात बताइए, आपका हिप फायर गुड होना चाहिए। अगर आपका हिप फायर नहीं अच्छा ना, ये जो हिप फायर का मतलब होता है बगैर स्कोप के, जो आप बंदा नहीं मारते बगैर स्कोप के बिल्कुल बेसिक, उसको हिप फायर कहते हैं। अगर आपका सही नहीं होगा तो ये जिगल का कोई फ़ायदा नहीं है। चलें फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।